कह रही थी कुछ सरप्राइज है, आना जरूरी है। आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात दिल में छुपे जज्बात और अतीत में छुपे हर राज से पर्दा उठेगा। सब जानते हैं आज मेरा और व्योम का पहला वैलेंटाइन्स डे है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए। और वैसे भी व्योम ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, तो मैंने सोचा मुझे भी सरप्राइज देना चाहिए व्योम को। और इतने बड़े दिन में मेरे अपने मेरे साथ ना हो, ऐसा हो सकता है? व्योम और शरण्या की कहानी का हिस्सा ना बने, ऐसा हो सकता है? कहानी प्यार की, नफरत की, झूठ और फरेब की, कहानी दोस्ती की,
कर रही है। इस कहानी के सारे किरदार यहाँ मौजूद हैं। ये सब क्या है शरण्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे प्यार की कहानी, दोस्ती में धोखे की कहानी, मौत की कहानी। क्या तमाशा है शरण्या? ये हमारी कहानी थोड़ी है। ये तमाशा नहीं है व्यू, ये सच है। वो सच जो तुमने मुझसे आज तक छुपा के रखा। बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, तो आज इस वैलेंटाइन्स डे पे मुझे एक गिफ्ट दो। सच बोलो व्यू, सच। और आसान कर देती हूँ तुम्हारे लिए। कॉलेज, क्या मैं तुमसे प्यार करती थी? हाँ या ना? बोलो व्यू। ना। कोमा से आने के बाद जो कहानियां तुमने मुझे सुनाई वो सब झूठ थी। हाँ या ना? शिव, तुमने अंदर आ सकते हैं। इंस्पेक्टर, व्योम अपना गुनाह कबूल कर चुका है, आपने तो सुन ही लिया होगा। आप इसे अरेस्ट कर सकते। तुमने पुलिस को बुलाया मेरे लिए? हाँ, मैंने पुलिस को बुलाया उसे अरेस्ट करने के लिए जिसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया और न जाने कितने बेगुनाहों की जान ली। ये तो वैसे भी अपना गुनाह कबूल कर चुका है, कन्फेस कर चुका है।
लेकिन फिर भी मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ सबूत। व्योम काम डाउन, हम कोई और तरीका निकालेंगे। डैड आई कांट काम डाउन, मैं शरण्या का सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकता, प्यार करता हूँ मैं उससे, लेकिन सिर्फ उसके प्यार का सपोर्ट करता रहता हूँ। ऐसे तो एक दिन शरण और शिव शादी कर लेंगे आपस में, और मैं शिव के बराबर नाचूं, वो मेरे यार की शादी है। वो समझती नहीं मेरे प्यार को, उसको सिर्फ शिव का प्यार नजर आता है। कल वो शिव को अपने पेरेंट्स से मिलाने लेके जा रही है। डैड डैड, हम ये सीन चेंज भी तो कर सकते हैं। रास्ते में तो एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों के मर्डर भी होते हैं। डैड लोग मर जाते हैं। डैड देखा इंस्पेक्टर, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसी का खून करना चाहता था। I'm so proud of you, Sharanya. आखिर अपनी जिद पूरी कर ही थी तुमने। और ये प्रूफ करने के लिए भी मेरे पास एक वीडियो है। वीडियो में आपको जो औरत नजर आ रही है, दरअसल वो औरत नहीं, एक आदमी जिसने औरत के कपड़े पहन रखे। उसने पहले शिव को मारा और छुरा क्लोक रूम के लॉकर में छुपा दिया। इसको लगा किसी को पता चलेगा ही नहीं। सब कुछ बहुत प्री प्लान्ड था, लेकिन ये नहीं जानता था गुनाहगार कि उसका गुनाह सीसीटीवी कैमरा में कैद हो। और ये साबित करने के लिए कि ये व्योम है, मेरे पास एक पिक्चर है आपको दिखाने के लिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये गॉगल्स और ये कपड़े वो ही है जो उस वीडियो में थे। क्लियर हो जाता है कि खूनी व्योम ही है। क्या हुआ व्योम? शॉक लग गया कि तुम्हारा मास्टर प्लान फेल हो गया। तुम्हें क्या लगा था मैं सब भूल जाऊंगी, मेरी याददाश्त वापस नहीं आएगी? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी बदकिस्मती से मेरी सारी याददाश्त वापस आ गई, मुझे सब याद आ गया। कैसे तुमने शिव को मारा था, कैसे तुमने उसे खाई में गिराया था। लेकिन मुझे मिल गया, मैंने ढूंढ लिया अपने शिव को व्यो, मैंने ढूंढ लिया अपने शिव को। वो आज भी उस कपाली हिल्स की बर्फ में दफन है। लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं, मर चुका, बर्फ बन चुका है मेरा शव, लाश बन चुका।
शिव की बॉडी वही है इंस्पेक्टर, मैं आपको वहां ले चलूंगी, शायद आपको और सबूत मिल जाए व्योम के खिलाफ। मेरे एक्सीडेंट से पहले मैंने एक लेटर लिखा था पापा को, उसमें मैंने लिखा था कि मैं शिव से कितना प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी और व्योम की शादी से पहले वो लेटर मेरे पापा को मिला और ये बात व्योम को पता चल गई और इससे उसने मेरे पापा को मार दिया। मेरे पापा को मार डाला, बहुत प्यार करती थी ना आप व्योम से, 2 साल उसने आपको और पापा को धोखे में रखा हुआ। आप इसे अपना बेटा मानती थी, आधी इसे अपना भाई मानता था। इतना झूठ बोला, इतने बड़े बड़े झूठ बोले माँ इसने मुझसे, आपसे, हम सबसे। क्या कुछ नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ भी कर सकता, ये किया इसने मां, ये किया कि इसने मेरे पापा को मार डाला। ऐसा व्योम क्यों किया? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वास का तुम्हें तो मैंने आदि से भी बढ़कर माना था ना। क्यों किया? क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? छोड़ दो मां, ये इंसान नहीं, ये जानवर है, जानवर जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक खेल सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है, किसी की जान तक ले सकता है। और यहां तक कि उसने तो अपने चाचा की जान तक ले ली है ना फिर। विद्युत चाचा को तुमने मारा, कि वो मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वो लेटर दिखाना चाहते थे जो पापा को मिला था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.